नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। दोस्तों, आप स्क्रीन पे कुछ देख रहे होंगे, ट्रांजैक्शन फेल्ड फिर भी पैसे कट गए, अपने पैसे रिफंड वापस कैसे लें। तो दोस्तों, आपको भी अक्सर ये प्रॉब्लम आती होगी जब आप CSC के डिजिटल सेवा पोर्टल से रिचार्ज करते होंगे। तो दोस्तों, रिचार्ज करते समय हमेशा जो है, मैं बोलूं कि 70-80% रिचार्ज जो है फेल्ड हो जाते हैं और आपके पैसे फंस जाते हैं CSC के पास। तो CSC से उन पैसों को कैसे वापस लाए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही आपको एक आज ट्रिक बताने जा रहा हूं, एक ऐसा नया मेथड बताने जा रहा हूं जिससे जो है आप रिचार्ज में अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, डिजिटल सेवा में आपका रिचार्ज में पैसे कट गए हैं तो आपके पास मात्र एक विकल्प होता है कि आप जो है टिकट जनरेट कर दें। तो चलिए देखते हैं कैसे जो है आप रिचार्ज की टिकट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जब आप आओगे तो सबसे नीचे सपोर्ट का बटन होगा। सपोर्ट के बटन के नीचे आपको यहाँ पे टिकट की ऑप्शन मिल जाती है। तो चलिए, टिकट की ऑप्शन जब भी आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट टिकट, मैं यहाँ पे बता दूं, क्रिएट टिकट में वो टिकट होंगे जो आप नए बनाएंगे, ओपन टिकट में वो होंगे जो अभी पेंडिंग है यानी जिनका कोई जवाब नहीं आया है, और क्लोज टिकट में आ जाएंगे। तो चलिए, अभी एक टिकट क्रिएट करना मैं आपको बता दूं रिचार्ज से रिलेटेड। तो आपने यहाँ पे करी है एक ट्रांजेक्शन, तो आप आई हैव डन ए ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर दें। मोर देन 24 आवर्स वाज ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, यानी आपके एंड से तो रिचार्ज सक्सेसफुल हुआ है, तो आप यस कर दें और यहाँ पे अपना डाल दें ट्रांजेक्शन नंबर। अब भाई, ये ट्रांजेक्शन नंबर कहां से मिलेगा? तो ट्रांजेक्शन नंबर मिलेगा आपको ऑर्डर हिस्ट्री से। तो आप दोबारा यहाँ पे आए, ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक कर दें। ये आप पहले ही कर ले, जैसे टिकट क्रिएट करने से पहले ही आपका जो भी ऑर्डर है जो रिचार्ज से रिलेटेड है, यहाँ सर्विस पढ़ ले आप जो भी है, उस सर्विस को यहाँ पे आपने कर देना है कॉपी। तो चलिए, अब हम जल्दी से पहुंच जाते हैं टिकट वाली ऑप्शन पे। तो आपने सिंपली टिकट पे क्रिएट टिकट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट टिकट के बाद आई हैव डन ट्रांजेक्शन मोर देन 24 आवर्स, यस यस के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई, तो वो आपकी यहाँ पे ट्रांजेक्शन को बता देगा। अगर आपके 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम हो गया है तो वो इसको जो है वॉलेट में क्रेडिट कर देगा। अगर आपको 48 आवर्स के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम आती है, जो कि अक्सर रिचार्ज के साथ होता है, तो आप अपना टिकट जो है रिचार्ज फेल्ड होने के 48 आवर्स के बाद ही क्रिएट करें। दोस्तों, ये अक्सर होता है कि CSC से रिफंड लेना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, जैसे ही आपके 48 आवर्स यहाँ पे हो जाएंगे पूरे, आप दोबारा इस ऑप्शन पे आए और यहाँ पे कर दें वेरीफाई ट्रांजेक्शन नंबर डालने के बाद। जब आप ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे डाल देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगी कि स्टिल वांट टू रेज टिकट क्लिक हेयर, तो आप इस पे क्लिक यहाँ पे कर दें। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में डालना है रिचार्ज फेल्ड। चलिए, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिचार्ज फेल्ड। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सर्विस चूज करनी है रिचार्ज की। जैसे कि मेरा पास रिचार्ज की ऑप्शन नहीं थी, तो आपके पास यहाँ पे रिचार्ज की ऑप्शन डिफॉल्ट आएगी, और आपने किसके थ्रू वो रिचार्ज करा था वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपके पास ये ऑप्शंस नहीं आती हैं दोस्तों, तो आप सिंपली जो है दूसरे मेथड से भी इसको टिकट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपके पास ऑप्शन आ जाती है फर्स्ट, तो मैं बता देता हूं आपको यहां पे रिचार्ज फेल्ड, और यहां पे आपको अपना मैसेज टाइप कर देना है कि मेरा रिचार्ज जो है फेल्ड हो गया है और इस तारीख को मैंने ये ट्रांजेक्शन करी थी। तो उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे कर देना है सबमिट। अब मान लेते हैं आपकी यहाँ पे जो है सर्विस सिलेक्ट नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे सिंपली ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करके आप यहाँ पे रिचार्ज और प्रोडक्ट सर्विस में आपने जिस भी कंपनी का रिचार्ज करा था, मान लीजिए मैंने रिलायंस जियो का करा था, तो आप इस मेथड के थ्रू भी
जो है टिकट जनरेट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं अपने रिफंड का। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी रिफंड की प्रोसेस। अब मैं मेथड बता रहा हूँ जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, और ये कोई स्पॉन्सर्ड मेथड नहीं है, या मेरे को किसी कंपनी ने इसको प्रमोशन के लिए कोई पैसा नहीं पे डालनी पड़ी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मोबाइल पे और मैं बताता हूँ क्या मेथड है, कौन सी वो ऐप है जिसके थ्रू आप रिचार्ज में अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपनी रिचार्ज वाली ऐप में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कौन सी कंपनी की ये ऐप है, उसका नाम यहाँ पे डाला हुआ है, और नाम के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें मोबाइल डीटीएच यूटिलिटी सर्विस न्यू डीटीएच कनेक्शन और यूपीआई एटीएम, यानी ये सर्विस आपको यहाँ पे मिलती है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो और इस ऐप में फर्स्ट टाइम आप जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं लिंक, इस ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप जो है लिंक को कॉपी करके अपने ब्राउजर में ओपन कर लें, और ब्राउजर में ओपन करने के बाद आप अपना ये एपीके डाउनलोड करके, या प्ले स्टोर से भी ये एपीके उस लिंक के थ्रू डाउनलोड हो जाएगी। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि कैसे आपको इसको यूज करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड और एक पासवर्ड सेट करके इसको रजिस्टर कर देना है। दोस्तों इतना सा सिंपल सा रजिस्ट्रेशन है, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं चाहिए। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड और अपना पासवर्ड डाल के आप रजिस्टर कर लें। चलिए मैं यहाँ पे हूँ पहले से ही रजिस्टर्ड, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉग इन अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस ऐप का इंटरफेस, और इसमें आधार एटीएम सर्विस तक की फैसिलिटी है। अब आपको यहाँ पे मान लो मेरे को मोबाइल डीटीएच करना है या मेरे को बैलेंस लोड करना है, पहले हम बैलेंस लोड करना मैं आपको बता दूं। आपको सिंपली इसमें आप लोड बैलेंस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लोड बैलेंस के बाद आप अपना एक मेथड सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको कहाँ से पेमेंट करनी। जैसे आप यहाँ पे फोन पे, अमेजोन, पेटीएम, HDFC और गूगल पे, मोबाइल, तो इनके थ्रू डायरेक्ट जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं एक पेमेंट आपको यहाँ पे मान ले फोन पे से करता हूँ, फोन पे पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे जब आप फोन पे के पेज पे जाओगे तो आपको अमाउंट भी खुद सिलेक्ट करना है जितना आपको ऐड करना है, और उसके बाद आप यूपीआई की ट्रांजेक्शन करके जो है यहाँ पे बैलेंस एड कर लोगे। तो ये तो थी बैलेंस एड। अब बात आती है सबसे बड़ी की कमीशन का क्या स्ट्रक्चर है। तो आप कमीशन के लिए कमीशन वाली टैब पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एयरटेल में आपको 3%, BSNL में 3.5%, वोडाफोन में 3%, रिलायंस जियो में 3.1%, MTNL, यानी जितना आपको एक रिटेलर बन के या जो है आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो इतना ही कमीशन आपको मिलता है। तो इससे अच्छा है दोस्तों, इसमें आपको डायरेक्ट अपना जब भी कस्टमर आए बैलेंस लोड करो, या अपनी फैमिली का भी आप जो है इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये मेथड भी आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फोन में अकाउंट बना के आप सिंपली इजीली इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज तक मैंने जब जितनी बार भी यूज करा मेरे को कोई भी दिक्कत इसमें अभी तक नहीं आई है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें, ताकि आप पाए हमारे वीडियो सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।